विहरा हरतो अंगतापम। बड़ा दिव्य वाक्य, भगवान सुनोत गुणान भुवन सुंदर, मैं आपकी बारे में पूरी सुनी हुई हूँ। अर्थ क्या बन हुआ कि आपकी कथा सुनी हुई है। देखो भगवान तभी मिलेंगे जब कथा में कथा रस प्रदान करोगे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, कथा में तो महाराज भारी बताए थे, महाराज आप करुणा वर्णालय हो, आप दयालु हो, आप दयानिधि हो, आप सुंदर हो, स्वभाव के भी अच्छे हो। आवाज मैं रो रही हूँ, आप आकर ले जा नहीं रहे। या तो महाराज जी गुण बोले थे या तो आपके गुण को गलत बताए। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर सही बताए महाराज को आप आ क्यों नहीं रहे। तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे प्रभु आपके गुणों को सुन लीजिए और आपके गुणों को करना विहरे भरतो अंगता। आपके गुण को कथा को सुन करके सारा पीड़ा सारा ताप नष्ट हो गया और ताप रूपम दृशम दृश्य अखिलार्थ लाभम। जितनी सुंदर आपका गुण है प्रभु आपको वरण करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि आप सुंदर हो। भारतीय कन्या का इतना बड़ा सिद्धांत है, उसको सुंदरता से मतलब नहीं है, वर गुड़ी। माता सीता का भी प्रसंग गोस्वामी जी लाते हैं, सुंदर सांवरो, सुंदरता किसने सांवरे करेंगे। अब हम लोग रंग देखते हैं, गोरा चिट्टा शादी करेंगे, काला है तो नहीं करेंगे, मतलब गुड़ से नहीं रंग से मतलब। जबकि भारतीय संस्कृति में कन्याओं का विचार है कि गुण का सुंदर तो विवाह। और यहाँ भी भगवान रुक्मणी जी क्या कहती है, दृश्य दृशम दृश्यापरूप, जितना सुंदर आपका गुण है महाराज उतनी सुंदर आपका स्वरूप भी है। तो आप ये मत सोचना कि केवल आपके सुंदरताओं को, कि 25 गोपियां आपके पीछे घूमती है तो मैं भी घूमूंगी, मैं गुण को भी सुंदर मानती हूँ, इसलिए आपको विवाह के लिए करें। आप विद्या में भी बड़े चतुर हो, लोग चार चार पद पद साल पढ़ते हैं, आप तो 2 महीना में ज्ञानी बन गए थे संदीपनी जी के आश्रम। तो विद्या अकुल शील चंद्रवंशी हैं आप, बड़े प्रतापी, कुल भी अच्छा आपका है, आपका शील भी बढ़िया है, सज्जन हो, सरल हो, लोगों की साथ कैसा व्यवहार करनी चाहिए, स्त्री का सम्मान करना, ये आपको आता है और इसीलिए आपको मैं वरण करना चाहती हूँ। वरण करने में आप ये मत सोचना कि मैं अलज्जा हूँ, कि मेरे में लज्जा नहीं, कि अपने से प्रस्ताव भाई कोई कन्या अपने से प्रस्ताव भेजे मतलब लज्जा भी होता है, ऐसा मत समझिए महाराज। मेरी भी कुल की गौरव है, मैं भी पढ़ी लिखी हुई हूँ, मैं भी कुशाग्र कुशल बुद्धि की हूँ, धीरा पति कुलवती चिड़ो कन्या काले नरसिंह नरलोक अभिराम। आप शेर की तरह आओ और शेर की तरह आकर उसको पत्नी रूप में वरण कर करके ले जाओ, और नहीं तो शेर का हिस्सा गीदड़ ले जाता है, ऐसे ही एक कुत्ता शिशुपाल ले जाएगा। तो इस प्रकार से तन में भवान खलु वृत्तम पतिरांग जयात्मकम भवति। कहे कि अगर आप थोड़ा भी विलंब करोगे तो स्वानम भवति तज्जत रिजदेत इधर उधर, कुत्ते के भांति ये छीन कर करके ले जाएगा। तो इसलिए आप सावधान पूर्वक आकर के मुझको वरण करके। और अगर आप सोचते हो कि आपको मैं वरण क्यों करूं, तो ये भी बता दूं महाराज, पूर्तोश्च दत्त नियमो व्रत देव विप्रम गुरु वचनात् विराल भगवान परेशान।